हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हपानसूर। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 बेटा। एंड इन द लास्ट सेशन वी वर डिस्कस अबाउट द सेवरल मेथड्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ओके, आज हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दैट वन इज सब्लिमेशन। ओके, व्हाट इज सब्लिमेशन? देखिए, इस प्रोसेस के थ्रू हम ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं जिसमें एक सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट होता है एंड अनदर वन इज नॉन सब्लिमेबल इम्प्यूरिटी कंपोनेंट्स। रियल में पहले हमें यह समझना चाहिए कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो देखिए, सब्लिमेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस सब्सटेंस। जनरली होता क्या है, देखिए आपने देखा होगा सॉलिड देन कन्वर्जन की बात करें तो लिक्विड एंड देन गैस। ओके, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पहले ही आप पढ़ चुके हैं और जनरली यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आइस, आइस को अगर आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखेंगे तो वो मेल्ट होगी तो उससे क्या बनेगा? वाटर। और वाटर को जब आप बॉइल करेंगे तो उससे बनेगा वेपर। जनरली हमने यही देखा है कि जब भी हम किसी सॉलिड को मेल्ट करवाते हैं, हीट करते हैं, तो सबसे पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन इनटू द गैसेस फॉर्म। बट यहाँ पे सब्लिमेशन एक सेपरेट और डिफरेंट प्रोसेस है। इज इट क्लियर? सब्लिमेशन में होता क्या है? तो सब्लिमेशन अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, यानी कोई भी सब्सटेंस कहा सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चेंज हो रहा है? गैस में, विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड। यानी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। यानी जब हम ये प्रोसेस करेंगे सब्लिमेशन का, तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में जा सके। इसके कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ओके, नैप्थलीन, आपने कपूर की गोलियां सुनी होंगी, और एंथ्रेसिन। दीज आर द सम कंपाउंड्स विच कॉज ऑन सब्लिमेशन और विच सब्लाइम। ओके, इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। देखिये, सबसे पहले हमने एक चाइना डिश, इट इज ये कटोरी टाइप होता है। ओके बेटा, लैब में दिखाएंगे कभी आपको। चाइना डिश में हमने एक मिक्सचर लिया है। मिक्सचर किसका है? अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का। किसका मिक्सचर है? अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का। उस चाइना डिश को हमने क्या है, एक स्टैंड पे रखा है। स्टैंड के नीचे हमने एक बर्नर ऑन कर दिया है। ठीक है, इसकी फ्लेम से अब क्या होगा, अब हमें सेपरेट आउट करना है अमोनिया को, हमें साल्ट से सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, एक फनल ली। फनल आपने देखा है ऑयल वगैरह डालने में यूज होती है, तो एक ग्लास की एक फनल है, इसको हमने उल्टा करके रख दिया। ठीक है, देखिए फनल जनरली ऐसे होती है। ठीक है, आपने देखी होगी घर पे हम यूज करते हैं ऑयल डालने में। तो हमने क्या लिया, एक फनल ली, फनल को हमने उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। अंडरस्टैंड? अब फनल का जो लास्ट एंडिंग होती है वो ओपन होती है, हमने उसको किससे क्लोज कर दिया? कॉटन प्लग से, ताकि जो भी गैस हो, इवेपोरेशन, वेपर जो भी हो, बाहर रिलीज हो। ओके, हमने इस फनल को इसके ऊपर इन्वर्टेड कर दिया और अंदर फनल के अंदर जो है हमारा मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का। जैसे आप हीट करोगे तो जैसे ही ये हीट होगा तो एक टेम्परेचर पे रीच करते ही अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, सब्लिमेशन करता है। तो वो डायरेक्टली क्या होगा, पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, फिर वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। वेपर से वो बाहर तो निकल नहीं सकता, तो इसकी जो वॉल्स है फनल की, इन वॉल से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सोलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वेपर फॉर्म से वो इसके वॉल पे चिपक के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे जो है आपका क्या बच गया, साल्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का जो मिक्सचर है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड और साल्ट में। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। आपको ये वाले जो एग्जाम्पल्स है वो मस्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली पूछ लिया जाता है कि गिवन कंपाउंड्स को हम किस प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हैं। तो इसमें अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नैप्थलीन और एंथ्रासीन, आपको याद रखना है, इनको हम सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव ए गुड डे।